वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में भारतीय पहलवानों ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है। एक बार फिर देश के टॉप पहलवान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अन्य पहलवानों के साथ भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रकट करने फिर से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। एक प्रदर्शनकारी पहलवान ने कहा कि 7 महिला पहलवानों जिसमें एक नाबालिग शामिल है ने सांसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पहलवान ने कहा कि हमें कई क्षेत्रों से धमकियां मिल रही हैं। 2 महीने इंतजार के बाद हमने थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने हमें बाहर निकाल दिया। हम नहीं जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर तब तक धरने पर रहेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। वही खबर है कि कमेटी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे चुकी है। बस खेल मंत्रालय को इसका ऐलान भर करना है। यही वजह है कि पहलवान फिर ताल ठोक रहे हैं। आपको बताते चले कि किस खिलाड़ी के पास कौन सा मेडल है। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज, साक्षी मलिक में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज, विनेश फोगाट एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड। एलिगेशन आपको सब पता है कि हमने क्या क्या लगाए हैं, किस किस चीज के ऊपर लगाए हैं। कमेटी को हमने अपने सारे बयान दे दिए हैं, लड़कियों ने अपने सारे बयान दे दिए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विनेश भी बता रही है कि 2.5-3 महीने से हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि क्या होगा, क्या आगे कुश्ती कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोगों तक ये तक की सुनने आई है कि ये तो खत्म हो चुके थे, इसीलिए ये इन्होंने धरना किया है। कहाँ के खत्म हो गए। लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है विनेश, लेटेस्ट मेडलिस्ट है, बजरंग का इस ओलंपिक में मेडल आया। कहाँ के खत्म हो गए हम, कहाँ, मतलब ये सुनने में आ रहा है हमेशा कि हम खत्म हो गए इसलिए धरना किया। हमें क्या चाहिए है, क्यों करेंगे हम? हम सिर्फ अपनी कुश्ती को बचाने के लिए, कुश्ती को सेफ उस हाथों में ले जाने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी, हमें झूठे साबित मत करो, हम चाहते हैं कि सच्चाई की जीत। विनेश कमेटी की जो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो गई है, लेकिन विनेश जैसा ये पूरा प्रोसेस रहा, ढाई महीने पहले शुरू हुआ था, चलिए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म कर दी, सदस्य बन गए, उसके रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, आपको लगता है कि मिनिस्ट्री को एटलीस्ट पब्लिक में आके बताना चाहिए कि उस ओवरसाइट कमेटी में क्या कुछ लिखा गया है और डिसीजन क्या है और डिसीजन क्या लिया गया है? हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। कम से कम हमें तो पता चले कि हम गलत थे, कौन गलत था, वो सब अंधेरे में है। हर चीज के हवाले से ऐसे बोला जा रहा है कि हमने कुछ भी नहीं बोला या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नर्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना, तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं, लेकिन जांच तो करवाई जाए। ऐसा थोड़ी है कि वो पावरफुल है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर में कहीं ना कहीं उस तरीके का भरोसा नहीं है आप सभी लोग? कमेटी में जितने भी लोग थे जी, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए थे। फेवर चल रहा था, हम ज्यादा ओपनली नहीं, मुझे नहीं पता हम बता सकते कि नहीं बता सकते सारी चीजें, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला। एक बात बताओ, जिन्होंने भी किया, जिन लड़कियों ने किया, वो आगे आके उसकी पूरी लाइफ है। ये तो रूल में होगा ना कि जिसने भी किया है, नाम ओपन नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर है ये तो, कि नाम नहीं आना चाहिए।